हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित गोस्वामी और आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि आप आधार कार्ड अपना कैसे डाउनलोड करेंगे जब आपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया था और आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाया है अभी तक। तो आपको ज़रूरत पड़ी अपने आधार कार्ड की और डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर भी आधार कार्ड नहीं पहुँचा था, तो इस कंडीशन में आपको अपना आधार कार्ड कैसे प्राप्त होगा, आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यही बताऊँगा। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, लैपटॉप स्क्रीन पर मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली, जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। और अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो मोबाइल से भी अपना ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मंत्रा या मोर्फो की डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसे आप अपने मोबाइल में OTG से कनेक्ट करके चला सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो कहीं खो गया है, तो आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। आप अपना मोबाइल में भी ये चीज़ कर सकते हैं, आसानी से आप अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल क्रोम में खोलने के बाद मैंने नई टैब ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ गेट आधार। जैसे ही मैं गेट आधार लिखूँगा, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखते हैं कि पहला लिंक आपके सामने खुलता है, गेट आधार। तो जो गेट आधार वाला लिंक है, पहला लिंक, आप उसी को ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए दिक्कत आ रही है, थोड़ा स्लो चल रहा है, स्पीड पर नहीं आ रही है। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ आगे। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, आप इस तरीके से देखेंगे। अगर मोबाइल पर देखते हैं तब भी आपके सामने ऐसा ही डिस्प्ले आएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपको ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक कर देना है। सिंपल, जैसे मैं ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करता हूं तो वेलकम टू आधार करके और लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, तो आप अपनी तरफ देख पाएंगे कि डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन डाउनलोड आधार का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका पास उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर जो OTP ले सकते हैं। हम सिंपल बैक चले जाएंगे डैशबोर्ड पर, जैसे कि डिस्प्ले पहले आ रही थी। फिर से हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, डाउनलोड आधार करेंगे अगर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और आपके पास ओल्ड नंबर भी नहीं है, तो आप ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं गेट योर आधार कार्ड ड्यूरेबल। ये आपके पास आधार कार्ड जो आएगा वो PVC आधार कार्ड रीप्रिंट करके आएगा, एक तरीके से ये समझ लीजिए। वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू दिया जाएगा, इसीलिए इसमें 50 रुपये लिए जा रहे हैं। ये 50 रुपये गवर्नमेंट ले रही है क्योंकि वो आपके लिए PVC आधार कार्ड प्रिंट कराकर स्पीड पोस्ट कराकर आपके घर भेजेगी। और इसमें ये 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि सिक्योर QR कोड होगा इसके अंदर, होलोग्राम भी होगा जिससे जेन्युइनिटी पता चलेगी, होस्ट इमेज एंड माइक्रो टेक्स्ट भी इसमें सम्मिलित है। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालेगा। जैसे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ, मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद सिंपल ये कैप्चा देख रहे हैं आप, ये कैप्चा बिल्कुल ऐसे ही इसमें डाल दीजिए। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, अब जिस नंबर पर आप OTP लेना चाहते हैं वो नंबर इसमें डाल दीजिए। जैसे मैं अपना दूसरा नंबर जो मेरा रजिस्टर्ड नहीं है आधार कार्ड में, मैं वो डाल देता हूँ जिस पर मुझे OTP लेना है जो अभी चालू है। ये नंबर मैंने डाल दिया। अब सेंड OTP पर आपको क्लिक करना है जिससे आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। ये लिखा हुआ आ रहा है OTP जनरेटेड सक्सेसफुली। OTP जनरेट हो गया है और सेंड हो गया है मेरे नंबर पर। OTP आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, जितनी देर में OTP आता है उतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा वक्त लग सकता है OTP आने में क्योंकि सर्वर इशू हो जाता है कभी कभी। जैसे कि OTP मेरे पास आ चुका है, मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ। मैंने अपना OTP फिल कर दिया है। अब टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टर्म एंड कंडीशंस खुल जाएंगी और इसमें आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि आई हियर बाई गिव माई कंसेंट फॉर प्रिंटिंग आधार कार्ड। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपना आधार कार्ड प्रिंट कराना है,
और मैं समझता हूँ कि ये मेरे एड्रेस पर भी डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस 50 रुपये है। और ये आधार कार्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू डिलीवर किया जाएगा। आपको ये एग्री कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ आएगा कि ड्यू टू प्राइवेसी रीजन डेमोग्राफिक डाटा और आधार कार्ड नंबर कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट द स्टेट, हाउएवर द ऑर्डर पीवीसी कार्ड विल हैव द लेटेस्ट डेमोग्राफिक डाटा ऑफ द आधार। ओके कर देंगे। ऐसा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। और इसमें आप देखेंगे कि आपका SRN नंबर ये है। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर एग्री करने के बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको 50 रुपये पे करने हैं। आप पे इतने सारे ऑप्शन आपके पास खुल जाते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट और UPI, पेटीएम वगैरह, इससे आप पे कर सकते हैं। आप सिंपल पेटीएम पर सिलेक्ट करके अपने UPI से, अगर UPI ऐप चलाते हैं फ़ोन पे वगैरह, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पेटीएम से करता हूँ। तो पेटीएम में सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लूँगा। सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका पेटीएम नंबर मांगने लग जाएगा, जिस नंबर से आप पेटीएम चलाना चाहते हैं या जिस नंबर से आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं। आप सिंपली कोई सी भी पेटीएम को इसमें नंबर डाल सकते हैं। मैंने अपना पेटीएम नंबर डाल दिया है। अब OTP आएगा, वो OTP इसमें डाल देना है। जैसे कि मैंने OTP इसमें डाल दिया है, अब इसमें पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने UPI पेमेंट, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसमें एक कन्फर्मेशन मेल भी आएगा आपके पास, अगर आपका मेल रजिस्टर्ड होगा तब, नहीं तो जो नंबर आपने इसमें डाला है उस नंबर पर आपके लिए एक मैसेज आ जाएगा। जो अभी मैंने SR नंबर आपको दिखाया था वो नंबर आएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका PVC कार्ड कितने दिनों में आपके पास घर पर आ जाएगा। 10 से 12 दिन में ये ज़्यादातर घर में आ जाता है आपके। लेकिन आपको इससे भी पहले इंस्टेंटली आपका आधार कार्ड प्रिंट करना है, आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी है, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है, लेकिन वो लीगल तरीका नहीं है, इसीलिए उसको मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा ड्यू टू YouTube प्राइवेसी। क्योंकि YouTube की अगर मैं प्राइवेसी उल्लंघन करूँगा तो मेरी चैनल को भी वो डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए मैं उस चीज़ को नहीं दिखा सकता। लेकिन आपको बता सकता हूँ कि वो प्रिंट पोर्टल नाम की एक वेबसाइट है, जहाँ से आपको थोड़ा सा रिचार्ज करने के बाद आप वहाँ से आधार कार्ड, पैन कार्ड फिंगरप्रिंट के थ्रू इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, जो कि हर जगह वैलिड है। तो आप वहाँ से भी इंस्टेंटली अगर आपको चाहिए तो वहाँ से निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मुझे DM कर दीजिए Instagram पर, या फिर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अपने डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक नहीं दे पाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपकी हेल्प होती है तो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो से हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन जो आए सबसे पहले आपको मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।